आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। बरेली के उड़ान वर्ल्ड स्कूल में पहुंचे कराटे मास्टर हसरत अली खान। एग्जाम लेने आए हैं सर, क्या होता है सर कराटे बेल्ट एग्जाम? एक्चुअली उद्यान पब्लिक स्कूल के जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और कहा कि साहब काफ़ी दिनों से हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हैं आप आएँ, इनको थोड़ा ट्रेनिंग कराएं और बच्चे अगर जो कैपेबिलिटी है जिनकी जो क्वालिफाइड हो सकते हैं उनका एग्ज़ाम करें। तो आउट ऑफ लगभग 60 से 65 बच्चों ने इसमें भाग लिया और इसमें से 35 बच्चों ने लगभग उत्तीर्ण किया येलो बेल्ट एग्जाम्स के लिए, जिनको बेल्ट मिली है, जिनको बेल्टें दी गई। सर ये बेल्ट का क्या मतलब होता है, मतलब सबको बताएं कि बेल्ट क्या होती है? बेल्ट एक्चुअली कराटे की भाषा में बेल्ट ये होती है जिस टाइप से हम कक्षा 1 से लेकर 2 में जाने के लिए 1 साल हम मेहनत और मशक्कत करते हैं, उसी टाइप से जो है कराटे में जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उसमें पंच, किक, ब्लॉक, स्टांसिस के बारे में जो ज्ञान दिया जाता है और उसका जो ड्यूरेशन है 4 महीने होता है और उस 4 महीने में जो है फिर उसको जो है टेस्ट लिया जाता है और वो टेस्ट जो क्वालिफाइड करते हैं तो उसमें जो है कलर के हिसाब से उनको अपग्रेड कर दिया जाता है। तो इसमें तेंशिनकान कराटे फेडरेशन जो है उसमें पहले जो है येलो बेल्ट होती है, तो उसी टाइप से जो है हमने आज यहाँ पे लगभग 35 बच्चों को जो है येलो बेल्ट में बच्चों को क्वालिफाइड किया है। अच्छा थोड़ा बताएं कराटे क्या होता है, हमारे दर्शक होता है कराटे क्या है, कराटे जूडो में क्या डिफरेंस चल रहा है आजकल, कराटे क्या है थोड़ा बताएं? आजकल तो नहीं, हमेशा कराटे एंड जूडो, देखिए जूडो मीन इज ए जेंटिल वे, जूडो एंड कराटे मीन इज ए एम्प्टी हैंड। जूडो जो है, जूडो बिना पकड़े हम जूडो खेल नहीं सकते और कराटे में पकड़ना ही फाउल है, तो दोनों में डिफरेंस ही हो गया। जूडो जो है एक मॉडर्न रेसलिंग है जो कि अब जूडो जो है गद्दों पे खेली जाती है जिसमें होल्ड्स, लॉक्स, चोक्स एंड थ्रो होती हैं। कराटे में भी थ्रो होती है लेकिन कराटे में जो है हम एक हाथ से थ्रो करते हैं क्योंकि दोनों हाथ से वो डेंजरस हो सकती है। कराटे जो है फ्री हैंड जो है खेला जाता है, तो यही एक छोटा मेन डिफरेंस है। तो सर क्या कहते हैं कराटे से अभी कौन कौन सी संस्था इसको मान्यता दे रही है भारत सरकार की? नहीं, कराटे जो है एकमात्र जो है कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसमें शॉर्ट में हम काई कहते हैं, काई जो है ओनली बॉडी है जो कि भारत सरकार मिनिस्ट्री HRD से रिकॉग्नाइज है और इंडियन ओलंपिक से रिकॉग्नाइज है और मेंबर है एशियन कराटे फेडरेशन की और एशियन कराटे फेडरेशन जो है WKF की मेंबर है। सर जैसे बताया था सर कराटे का कोई ओलंपिक गेम होने वाले हैं, कहाँ पे होने वाले हैं, कब होने वाले हैं? 2020 में जो है कराटे को इंट्रोड्यूस किया है जो कि टोक्यो जापान में होंगे और इसमें पहली बार अब देखते ये हैं कि हमारा जो है भारत में से कितने लोग क्वालिफाइड करते हैं क्योंकि मेडल टैली के बेस पे जो है उसमें सलेक्शन होगा और उसमें जो इवेंट जो है कमी रखे गए हैं। सर कराटे की ब्लैक बेल्ट क्या होती है, ब्लैक बेल्ट वाले को ब्लैक बेल्ट वाले को बताएंगे, ब्लैक बेल्ट को किसी ने ब्लैक बेल्ट एग्जाम यहाँ पर दिया क्या? मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया हूँ। सर यहाँ जो कराटे की ब्लैक बेल्ट क्या होती है, ब्लैक बेल्ट का एग्जाम किसी ने दिया क्या यहाँ पर? नहीं, ब्लैक बेल्ट तो अभी हमने यहाँ पर नहीं लिया है और कराटे की ब्लैक बेल्ट जैसे मैंने बताया कि येलो बेल्ट ब्लू में दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं, फिर पर्पल बेल्ट होती है, पर्पल के भी दो भाग होते हैं, फिर उसमें हम इंटरमीडिएट डिग्री पे आ जाते हैं ब्राउन बेल्ट में, ब्राउन बेल्ट में 3 पार्ट होते हैं इसमें, इक्यू, निक्यू एंड सन क्यू। तो जब ये सन क्यू से लेके पहले सन क्यू होता है ब्राउन बेल्ट 3rd क्यू, फिर 2nd क्यू होता है और फिर 1st क्यू होता है। जब ये बच्चा क्वालिफाइड कर लेता है उसके बाद जो है ब्लैक बेल्ट, जिस टाइप से हम इंटर क्लास करने के बाद किसी कॉलेज के अंदर एंट्री लेते हैं, ठीक उसी तरीके से जो है ब्राउन बेल्ट के बाद ब्लैक बेल्ट का एग्ज़ाम्स होता है। अब ब्लैक बेल्ट में जो है उसमें एक लिमिटेशंस होती हैं कि इतने काताज आपको करने हैं, काता के मीनिंग देखने हैं, बेसिक करना है, एक्सरसाइज की नॉलेज होनी चाहिए, स्टांसिस की नॉलेज होनी चाहिए, बच्चों को कंट्रोलिंग पावर आनी चाहिए, बच्चे के पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यही जो है सारी चीज़ देख के बच्चों को ब्लैक बेल्ट दी जाती है।
सर की और केवल बड़ा सवाल की और है सर, जैसे कि सर कराटे में टच एंड बैक पंच को क्यों यूज़ करते हैं? जैसे कई बच्चों ने बताया कि सिर्फ हम टच एंड बैक पंच कर सकते हैं, टच एंड बैक का क्या मतलब हुआ? एक्चुअली जो है ये फेदर टच कहलाता है WKF रूल्स के अनुसार, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के अनुसार फेदर टच, जिससे बच्चों को इंजरी ना हो। क्योंकि हम कंट्रोल अनकंट्रोल तो हर कोई भी मार सकता है, हमारे अंदर पूरी स्पीड है, पूरी पावर है, पूरा डेडिकेशन।